नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायक देवनानी के आईफोन पर चिप होने के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाते हुए कहा कि देवनानी की बातों को क्या गंभीरता से लेना, अभी फोन बीजेपी के पास ही है, फोन में चिप लगे होने की बात को साबित करे बीजेपी। खाचरियावास ने कहा कि फोन में चिप नहीं हुई तो क्या देवनानी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, कांग्रेस को बीजेपी की जासूसी करने की जरूरत नहीं है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बजट की पूरे देश में चर्चा हो रही है, आज प्रदेश का हर व्यक्ति कांग्रेस के बजट की तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री बजट पर अपना जवाब पेश करेंगे, बजट को लेकर बीजेपी के पास कुछ नहीं है बोलने को। देखिए, ये तय बात है कि राजस्थान के बजट की चर्चा पूरे देश में है, जनता में हर जगह खुशी का माहौल है और आम आदमी इस बात को महसूस करता है कि सरकार उसको कहते हैं जो लोगों की भावनाओं पर खरी उतरे, जो लोगों के मन में जो विश्वास था उससे भी अच्छा बजट राजस्थान की सरकार ने दिया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पर रिप्लाई देंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ कि बजट में कोई कमी नहीं है, बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब यदि उनमें थोड़ी बहुत भी गैरत बाकी है और आँख में शर्म है तो बीजेपी के नेताओं को जब आज वो बोले तो उनको केंद्र सरकार के बजट की भी कुछ अच्छाइयाँ बतानी चाहिए कि केंद्र सरकार के बजट में भी कुछ दम है क्या। केंद्र सरकार का बजट तो पूरी तरह से फेल हो गया, ना कर्मचारी को कुछ मिला, ना व्यापारी को, ना मजदूर को, ना किसान को, ना विद्यार्थी को। अकेला राजस्थान की सरकार का बजट ऐसा है जहाँ कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबको मिला, सबको सम्मान मिला और कोरोना संकट के बाद बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता को यदि कोई गिफ्ट मिल सकता था तो राजस्थान की सरकार ने बजट के रूप में दिया। हमारा बजट महंगाई कम करने वाला, बेरोजगारी कम करने वाला, लोगों के घर के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने वाला इसलिए है क्योंकि हमने बिजली में भी छूट दे दी। बिजली में जो छूट दी, जो रिलीफ मिला, 50 यूनिट तक फ्री बिजली, हर स्लैब में छूट बिजली में, और 5 लाख तक का जो इलाज था अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, वो 10 लाख तक का इलाज आम आदमी का फ्री हो गया। सरकारी अस्पतालों में दवाई फ्री है, जांच फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का राजस्थान की जनता का इलाज फ्री है। 1,33,00,000 महिलाओं को हम स्मार्टफोन देंगे और ये स्मार्टफोन महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। रोजगार गारंटी कानून हम शहरों में लेकर आए, ये कानून वैसा ही है जैसे नरेगा ने पूरे देश में एक क्रांति खड़ी कर दी, लोगों की आँख में गाँव-गाँव में चमक है, उसी तरह से शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करने वाली पहली सरकार राजस्थान की सरकार बन गई। अब शहरों में जो भी नौजवान रोजगार मांगेगा, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी अलग अलग ढंग से, तो वो अलग अलग कैटेगरी में रोजगार की गारंटी 100 दिन की राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दी है। मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी इधर उधर की बात करती है लेकिन काम की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में बिखरे हुए हैं, इनमें बड़ा भारी कंपटीशन चल रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए, आंदोलन कर नहीं पाए, झूठ बोलने में नंबर ले गए। जयपुर में सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षा बहाल करने के लिए कलेक्ट्रेट सर्किल पर राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है। उर्दू शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, साथ ही जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक 20 छात्र छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नामांकित होंगे वहां प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के अध्यापक का पद सृजित किया जाए। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत नंगे पैर विधानसभा पहुंचे। उनका कहना है कि जब तक बालोतरा को जिला घोषित नहीं किया जाएगा तब तक वह नंगे पैर रहेंगे। साथ ही उन्होंने रिफाइनरी की व्यवस्था को लेकर भी मांग उठाई। वहीं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के बयान पर कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आईपैड लिया, फ्लैट लिया, उन्हें तो नहीं लौटाया। उस समय रियायत दर पर फ्लैट देने की बीजेपी ने उठाई थी मांग और कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा भी किया था। आईपैड जब दिया वो लौटाया नहीं, फ्लैट ले लिया, अगर हिम्मत है तो फ्लैट लौटाया, ये तो छोटी सी बात। वो कह रहे पैसा दिया था, हमने खुद खरीदा था, पुरानी बात हो गई। देखो, बात इसी कार्यकाल की है कि फ्लैट लेने में जिनको शर्म नहीं आई और लिखित में दिया कि हमें रियायत दर पे दिया जाए, तो जो 30 लाख का रियायत करवा के फ्लैट लिया है और 50,000 या लाख रुपए की बात के लिए ड्रामा कर रहे हैं, ये इनका दिखावा है। दुनिया तो मानती नहीं है,
और ये बातें मनगणत करते हैं, क्या जासूसी मोबाइल अपने सबके पास में है। अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार जासूसी करवा लेती, ये ड्रामा करना इनकी पुरानी फितरत में है। विधानसभा में बजट पर मुख्यमंत्री आज जवाब देंगे। वहीं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आज भी सदन में मुख्यमंत्री कई घोषणाएं करेंगे और कांग्रेस विधायक टेबल बजाएंगे, लेकिन इस बजट घोषणा का धरातल पर कोई असर नहीं दिखेगा। कांग्रेस केवल जनता के साथ छलावा कर रही है और किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस शांत है। साथ ही प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी बजट की रिप्लाई देने का काम करेंगे। रिप्लाई के अंदर कई बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर होगी। कांग्रेस के सदस्य और समर्थन देने वाले सदस्य मेज थपथपाकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें धरातल के ऊपर आना मुश्किल है। कल मैंने एक मीडिया के सामने भी बात रखी थी कि जिस वेतन विसंगति को लेकर जो कह रहे थे कि पहले कर्मचारियों का नुकसान हो रहा था, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी कह रहे थे 4,000 रुपये बाबुओं के अब ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके अंदर भी प्रमाण से जो इन्हीं के आदेश से जारी किया गया है कि उसके अंदर भी जो पहले मिल रहा था उससे भी अब कटौती की गई है। तो निश्चित रूप से सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से हमारी तो एक ही मांग है, क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने का काम करें, कर्ज माफी का वादा आपने किया था उसको पूर्ण करने का काम करें, और जो घोषणाएं आपने की है चाहे वो बजट घोषणा हो और चाहे चुनावी घोषणा हो, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम करें। आज राजस्थान के किसान दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। 1500 रुपये प्रति क्विंटल चारा बिकना शुरू हो गया। अब राजस्थान के किसानों को राहत देना चाहते हैं तो पंजाब से आने वाले चारे को सस्ता किस दर के ऊपर मिल सकता है? या तो सरकार सहायता प्रदान करे, या पंजाब से आने वाले चारे के अंदर जो DTO RTO पुलिस महकमे के अंदर जो अवैध वसूली की जा रही है, बंदी ली जा रही है, उन बंदियों को बंद कराए ताकि किसानों को राहत तो मिले। जयपुर में जन्मदिन से पहले वसुंधरा राजे का एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर उनकी तबीयत जानने के लिए महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके सरकारी आवास पर आया। आपको बता दें कि पूर्व CM व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का बुधवार को एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में राज्य को कोई चोट नहीं आई। उनकी दुर्घटना का समाचार सुनकर उनकी कुशल क्षेम महिला मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं जानने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंची। वहीं सभी महिलाओं ने पूर्व CM का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए एक्सीडेंट करने वाली बच्ची को नसीहत देते हुए माफ कर दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV News। नमस्कार।